युवा पेपर देने के लिए जाता है, उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, 400 रुपए में वो फॉर्म भरता है लेकिन पेपर लीक हो जाता है। महंगाई पर बात कर रहा है, बेरोजगारी पर बात कर रहा है, युवा न्याय की बात कर रहा है, नारी न्याय की बात करता है, लेकिन बीजेपी क्या बात कर रही है? बीजेपी कह रही है 400 पार। देखिए, यही सत्ता की लालच में आत्ममुक्तता से ये लोग डूब चुके हैं। और जो मोदी साहब ने डूब अभी एक डुबकी लगाई है, पूरी अर्थव्यवस्था को तो डूबा दिया। परिवार की बात हो रही थी, क्या संदेश खली का परिवार परिवार नहीं है? अभी कुछ देर पहले सैयद जवान बोलेंगे नहीं, अभी हमारे कोपेनलिस्ट बोल रहे थे लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र जीवित है या हत्या उसका परिचय एक महिला हमारी माता ने दे दिया, लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल हो रही है संदेश खली में। उस समय राहुल गांधी की चुप्पी देख रहे हैं, जिप लगाए हुए हैं, राहुल गांधी की चुप्पी आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव की चुप्पी देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल की देख सकते हैं, लालू यादव की देख सकते हैं, तेजस्वी यादव की देख सकते हैं, सारे के सारे तमाम नेता इंडियन एयरलाइंस वाले चुप्पी साधे हुए, मुंह में दही जमाए बैठे हुए। क्यों? क्योंकि संदेश खली में जो है शामिल वो कौन है? शाहजहां शेख। शाहजहां शेख कौन है? एक बांग्लादेशी घुसपैठी। जनाब आराम से, बिन्नू जी आराम से। हाँ जी प्रतीक भाई, हम हैं कि ताल्लुक निभाने में लगे हैं, मगर कुछ लोग हैं जो दिल को दुखाने में लगे हैं। पता करो हाथ उनका तो नहीं था जो हाथ आग बुझाने में। मैंने नियम आपको बताया है, नियम वही है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो रमनीश जी नियम यहाँ पे वही लगता है। मैंने एक बार बता दिया डिबेट में, कोई हार जीत नहीं हो रही, यहाँ जाएंगे बाद में वहां पे दोनों लोग बैठ के चाय पियेंगे, और यहाँ हम कहाँ हल्ला मचा रहे हैं? वहां रमनी वहां क्या करते हैं ये रमनीश जी, वो पैसा देने लगते हैं तो रमनीश जी कहते ना 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 मेरे से पैसा लो, और यहाँ खाम खां जनता के सामने नाटक कर रहे हो। प्रतीक भाई, हमारे वैचारिक मतभेद होंगे और एक दूसरे पर प्रहार भी खूब करेंगे, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। माननीय बोले तो दो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप पूछिए कि संदेश खाली पे बोला, गृह मंत्री जी ने बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि बनारस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके ऊपर जवाब देते भारतीय जनता पार्टी। पीढ़ियों को सत्ता देने वाले आज जब सत्ता चली गई तो पीढ़ियों की बात कर रहे हैं। अरे अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, तीन सीटें आपके राष्ट्रीय महासचिव ने इससे इस्तीफा दिया क्योंकि आप पीडीए को नहीं जया बच्चन जी को टिकट दिए और अन्य बड़े सवर्णों को टिकट दिए, पैसा वालों को टिकट दिए, सेठों को टिकट दिए, यहाँ पर आपकी पीडीए का नकाब उतर गया। रमनी भाई दो मिनट, हाँ पूरा एकदम आप ही को लो, पूरा मंच ये सजा हुआ है जनता के बीच में, सब देख रहे हैं कौन बोल रहा है। और रही बात, आप बात कर रहे थे यहाँ पर कहाँ बोला वहाँ, भाजपा और आपके अधीरंजन चौधरी बंगाल में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सी मलिक है? सतपाल मलिक जी ने तो खुद कहा 1.5 साल पहले कहा कि अमित शाह ने कहा मोदी जी का दिमाग खराब है। देखिए बिल्कुल, सत्यपाल मलिक जी को ये कैसे भूल गए हैं, इन्हीं के तो नेता है, इन्हीं के नेता है, वो लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी इस चुनाव को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक खास वर्ग का ख्याल रख रही है, चाचा भी इनको छोड़ देंगे, चाचा भी इनका साथ छोड़ने को तैयार बैठे। आपको कैसे पता? अरे पता, उनको अपमान हो रहा है उनका। इस बार 24 में विपक्ष लोगों को मुंह में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सर 29 ये 24 का मामला नहीं, 34 की बात होगी, अब 34